देखिए झारखंड में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा, अपने लोक नृत्य, अपने सारी जो सांस्कृतिक उनकी पहचान है उसके साथ आते हैं। ये पाइका नृत्य कर रहे हैं झारखंड के लोग, और इसको एक अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें ढाल भी होती है, बर्ची भी होती है, तलवार भी होती है, और नगाड़े के साथ किया जाता है। शांत रहिए। तो ये पाइका नृत्य जो होता है, तो ये ढाल और बर्छी क्यों लिए रहते हैं? हाँ, ये जो राजा महाराजा जो जाते थे, पहले का बरात उरात भी जाते थे, उसको बराती को लेते हुए आ रहे हैं लोग, है ना। और हम लोग जो हैं सो इसको रक्षा करने के लिए अगर वहाँ से कन्या मियाँ विदा होकर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग राजा महाराजा घर में जो हैं सो हम लोग जाते थे, और वहाँ से कन्या मियाँ को डोली चाहे तो पालकी बोलिए, वहाँ से हम लोग वहाँ नाच बजा करते हुए और आते थे। ये रक्षा करने के लिए हम लोग ढाल है, तलवार है, बाँचने के लिए वो भी है। तो अभी आप लोग करते हैं बारात और आ जाती तो ऐसा डांस? हाँ, करते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग, जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, उसके बाद में जहाँ से कन्या मैया को वहाँ से विदा करके लेते हैं, तो करीब दूर तक हम लोग ले जाते हैं, नाचते देखते हैं वहाँ तक, उसके बाद में गाड़ी उड़ी में बैठते हैं, उसके बाद में फिर विदा होकर हम लोग भी, आज का नियम है तो हम लोग भी गाड़ी उड़ी में निकल जाते हैं, यही बात है। अब नए लोग भी कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे प्रचलन कम हो रहा है? नहीं, हम लोग तो अभी तक बचा रखे हैं, आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं, और जहाँ तक है कोशिश कर रहे हैं कि बढ़े लेकिन घटे मत, यही जा रहे हैं। हम तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं भैया, बात ऐसा है, हम लोग का आज का विशेष रैली था, है ना, एक षड्यंत्र के तहत हम लोग के जो रचना रचा जा रहा है उसके खिलाफ था, और हम लोग सब भाई बहन एक हैं, कोई हम लोग को अलग नहीं कर सकता है, मेरा यही कहना है। यहाँ बोलना चाहेंगे, देखिए ये नृत्य जो था हमारा, इसको पाइका नृत्य कहते हैं, झारखंड का लोक नृत्य है पाइका नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है और इसे सैनिक वेशभूषा धारण करके किया जाता है। ये झारखंड का लोक नृत्य है, मुझे मालूम है, बताया तो। पाइका इसे सैनिक वेशभूषा धारण करके किया जाता है, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये छुप जा रहा है, लेकिन हमारा सोच रहता है कि ये बचे, हमारा परंपरा संस्कृति के साथ हम लोग ऐसा करते रहते हैं, बस यही। आई हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया ईडी ने, ठीक किया गड़बड़? देखिए ये तो कानून है, गलत करेगा उसका परिणाम गलत ही होगा, जांच सबके प्रति होना चाहिए, जांच हुआ गलत है इसलिए जेल हुआ, नहीं तो जेल नहीं होता। और ये क्या बोलना चाहेंगे हम लोग, यहाँ आए बहुत लोग कह रहे थे साजिश है, अब देखिए कानून जांच किया, कानून के अधिक से ही हुआ है, इसमें हमको अब क्या कहे, अब कानून जांच करने के बाद ये हुआ है, ये तो साजिश है भैया। अरे यार, भ्रष्टाचार का आरोप, साजिश क्या, कोर्ट पता करे। तो ऐसे तो अजीत पवार भी था, एक नाथ शिंदे भी है, असम का मुख्यमंत्री भी है, तो बाकी बीजेपी में जाए तो वाशिंग मशीन हो गया, एकदम जो फैक्ट है वही बोल रहे हैं भैया, है ना, जो बीजेपी में गया वो दूध का धुला हो गया। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया, हम तो घूमते फिरते आए थे हम सबके, तो मैंने सोचा आज आदिवासियों की बात की जाए। बहरहाल हम लोग, हम तो पहले भी बोले थे आपको भैया, ये जो साजिश है बीजेपी का 24 को देखते हुए, ये कहानी देखिए ऐसा है ना सर, ये जो 2024 का जो चुनाव है ना, उसमें हम लोग बता देंगे कि आप क्या है, हम लोग क्या है, जो झारखंड में आदिवासी चेहरा जो था ना, उसको देख पा नहीं रहा है भाजपा, और ख़ास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसको हम लोग चुनाव के माध्यम से जो सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग बताएंगे, औकात दिखाएंगे क्या है चीज़ उसको। चलिए देखा जाएगा 2024 में क्या होगा। बहरहाल आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में एक बार फिर मैं रांची से हाजिर हूँगा, वजह ये कि 5 फरवरी को चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल करना है, आज रात देर रात हैदराबाद से जे एम एम
कांग्रेस के विधायक लौट आएंगे, वो सारे के सारे विधायक जो इस खेमे में हैं विश्वास मत तक बने रहेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज बस इतना ही। उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रांची।